तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन की टेंशन के बीच एक बात तो साफ हो गई है, रशिया के ऊपर जबरदस्त तरीके से सैंक्शन लगने वाले हैं और दुनिया के उन सभी देशों के ऊपर जबरदस्त तरीके का प्रेशर आने वाला है जो देश रशिया के साथ कोई ट्रेड करते हैं या फिर उनसे हथियार खरीदते हैं। भले ही अमेरिका और यूरोपियन यूनियन वाले कुछ भी कहें, रशिया के साथ कितनी भी तेल की परचेजिंग करें, लेकिन ये दूसरे के ऊपर उंगली करके अब यही कहने वाले हैं कि तुम रशिया को ताकतवर बना रहे हो, तुम्हारे कारण रशिया एग्रेशन दिखा रहा है, तुम ही हो सारे फसाद की जड़। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही अब होने जा रहा है। भले ही यूरोपियन यूनियन एक टैंकों के टैंक भर भर कर अपने देश में पेट्रोल और गैस खरीदे, लेकिन फिर भी उसे कोई परवाह नहीं है, उसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगेगा। सैंक्शन लगेगा तो उन देशों के ऊपर लगेगा जो रशिया से हथियार खरीदते हैं और वो कमाई जो रशिया को मिलने वाली है। और दोस्तों, हथियार खरीदने की बात आती है तो सबसे पहले नंबर भारत का ही आता है। रशिया का हथियार सबसे एक बहुत बड़ी मार्केट है भारत के अंदर। हाल ही में S-400 हमने लिया है, वॉरशिप भी हमारे रशिया से आ रहे हैं, सबमरीन की भी बातें चल रही हैं, AK-203 राइफलें भी रशिया से आ रही हैं और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं। भारत की सेना बहुत बड़ी है और हमारा रशिया बहुत ही पुराना पार्टनर है। और अब ये जो क्राइसिस खड़ा हुआ है, ये यूरोपियन यूनियन वाले अब भारत को धमकियां भी देने लगे हैं। दोस्तों, अब पता क्या चल रहा है, अब ये मीडिया के अंदर कहते हैं जी क्वाड के तीनों देशों ने रशिया को धमकी दे दी है, भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो रशिया के खिलाफ खुलकर नहीं उतरा है। अमेरिका का मीडिया CNN ये रिपोर्टिंग कर रहा है। CNN जो बिडेन का एक बिल्कुल उनकी एक सराहना करता है और सरकार का स्टैंड देने के लिए जाना जाता है, CNN के जो एक जर्नलिस्ट है फरीद जाकारिया, उन्होंने ये एक बातें बोली है। इससे आप समझ सकते हो कि क्वाड के नाम पर, ट्रेड के नाम पर और इसी के साथ डिफेंस के मामले के नाम पर अब अमेरिका की आप जेब भर दो, लेकिन रशिया के साथ भले ही आपको हथियार सस्ता मिलता हो या फिर कोई और बात हो, कूटनीति हो, वो सारी बातें अब आप छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ अब अमेरिका के हथियार खरीदो। रशिया यूक्रेन की टेंशन के बीच अमेरिका तो चाहता ही यही था कि रशिया को एक तरफ कर दिया जाए, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए जाएं और दुनिया के देशों के ऊपर एक बार फिर से अमेरिका अपनी दादागिरी करे। लेकिन ये दादागिरी करने से पहले आप हमें बताइए कि क्या ये बात सही है, अमेरिका खुद रशिया से तेल खरीदता है, क्या आप ये बात मानोगे? अमेरिका खुद रशिया से तेल खरीदता है, यूरोपियन यूनियन सबसे ज्यादा कमाई देते हैं रशिया को, उसके अंदर ये 1% की भी कटौती नहीं करने वाले हैं। भारत को ये सिर्फ और सिर्फ एक निशाना करके कहेंगे कि भारत 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 रशिया से हथियार क्यों खरीदता है, भारत रशिया से ट्रेड क्यों करता है, और अब ये भी कहने वाले हैं कि भारत रशिया से S-400 क्यों ले रहा है। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन की टेंशन जितनी ज्यादा लंबी चलेगी, ये अपने झोली में नहीं देखने वाले हैं कि ये रशिया को कितना ताकतवर कर रहे हैं, ये देखेंगे तो एशियन कंट्रीज में देखेंगे भारत कितना ताकतवर बना रहा है रशिया को। दरअसल ये अमेरिका वाले डरते हैं कि भारत, रूस और चीन कभी एक ना हो जाए, और अगर ये एक हो जाते हैं तो इन्हें जगह नहीं मिलेगी इंडो पैसिफिक के अंदर और एशिया के अंदर कमाइयां करने की। लेकिन दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। अमेरिका की चाल तो बहुत लंबी है और इसके साइन भी दिखने लगे हैं कि भारत की डिफेंस की जो परचेजिंग है, सेल है, उसको रोका जाए। हाल ही में हमने आपको बताया कि ब्रह्मोस की डील फिलीपींस से हो रही है, उसके ऊपर भी सैंक्शन लग सकते हैं क्योंकि उसकी कमाई भी रशिया के अंदर जाती है। $375 मिलियन की डील है, तो जाहिर सी बात है बहुत से ऐसे सवाल हैं जो अब खड़े होने जा रहे हैं। और अमेरिका वालों का जो स्टैंड है अभी से ही क्लियर हो रहा है, ये क्वाड के नाम पर हमें निशाना बना रहे हैं और इसी के साथ जो चाइना का प्रेशर हमारे ऊपर है उसको ये दरकिनार कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भारत के लिए खड़ी हो गई है, ना सिर्फ अपने डिफेंस की परचेजिंग के लिए, बल्कि हमारे पार्टनर जहाँ से हम ज़्यादा ट्रेड करते हैं ये अमेरिका यूरोपियन यूनियन वाले हैं और हथियार हम रशिया से खरीदते हैं, इस सिचुएशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। और हमारा जो डिफेंस का एक्सपोर्ट होने वाला था, ब्रह्मोस की जो एक्सपोर्ट थी, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा ब्रेक लग सकता है और ये डील टूट भी सकती है।